हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन विद्यार्थी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज आपके लिए एक गुड न्यूज़ है और ये बिग ब्रेकिंग न्यूज़ भी है जिन लोगों ने NIOS से डिलेट किया है। जी हाँ, बहुत टाइम से आप ये क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या जो ये डिलेट है ये मान्यता प्राप्त है या नहीं है, बिहार शिक्षक में हमें क्यों मौका नहीं दिया जा रहा है, कोई भी सुनने वाला नहीं था। लेकिन अब एक ऐसा व्यक्ति है जो सुनने के लिए आ गया है और साथ ही साथ में वो सरकार से बात भी करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के मंत्री कुशवाहा जी की, और उन्होंने बहुत कुछ कहा है NIOS से डिलीट करने वालों के बारे में, आपके बारे में, इन टीचरों के बारे में, और साथ साथ में गवर्नमेंट को भी हाथों हाथ में लिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट NCT जिसने ये करवाया है डिलीट, और साथ में बिहार गवर्नमेंट को भी क्या कहा है उन्होंने, इसको लेकर क्या आश्वासन दिया है, सब कुछ इस वीडियो में है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और गुजारिश है कि वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जितने भी टीचर हैं सब तक ये वीडियो पहुँच जाए, ताकि वो मायूस ना हो, परेशान ना हो, कोई ना कोई तो उनका साथ देने वाला है। अंधेरे में एक रोशनी की किरण देखिए। तो चलिए आइए फिर देखते हैं वीडियो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अभी एक भारत सरकार का निर्णय आया है, इससे सरकारी और प्राइवेट स्कूल में जो काम करने वाले टीचर हैं लोग आंदोलित हो गए हैं। अनट्रेन्ड टीचर लगभग 3.75 लाख की संख्या में बिहार के सरकारी विद्यालयों में काम कर रहे थे अभी से कुछ दिन पहले तक, और उसी तरह के शिक्षक प्राइवेट स्कूल में भी जिनकी संख्या लगभग 1.5 लाख थी, प्रशिक्षण प्राप्त नहीं थे। NCT जो भारत सरकार की संस्था है, उस संस्था के अनुसार और RTE एक्ट भी है उसके अनुसार, अब अप्रशिक्षित शिक्षकों को चाहे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल, उसमें नौकरी नहीं मिलेगी। जिस वक्त हम भारत सरकार में खुद भी मंत्री थे, उस वक्त इस बात पर विचार हुआ था कि आखिर इतने अनट्रेन्ड लोग हैं, और दूसरी ओर जो प्रोविजन है उसके हिसाब से अनट्रेन्ड लोगों को बहाल नहीं करना है या शिक्षक के रूप में उनको नहीं रहना है, तो आखिर इनका क्या होगा। दो रास्ता था, लगभग 15 लाख संख्या थी देश भर में, रास्ता था कि या तो इन लोगों को सीधे स्कूल से बाहर कर दिया जाए या इनकी ट्रेनिंग की कोई व्यवस्था कराई जाए सेवा में रहते हुए। एक्ट में भी बदलाव की जरूरत थी, क्योंकि उस समय तक जो एक्ट था उस एक्ट के हिसाब से उनकी छटनी ही होनी थी। तो हम लोगों ने देखा कि इस एक्ट को थोड़ा बदल दिया जाए, और छटनी उस वक्त नहीं करते हुए 31 मार्च 2019 तारीख रखी गई कि 31 मार्च तक जो लोग ट्रेनिंग कर लेंगे उनकी सेवा समाप्त नहीं होगी। तो यह परिवर्तन हुआ, पार्लियामेंट से एक्ट बना, और साथ ही साथ यह ऐसा परिवर्तन इसलिए किया गया कि इतने दिनों में लोग ट्रेनिंग कर लें इस बात का मौका उनको दिया गया। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर लोग थे कि उनकी ट्रेनिंग आखिर हो तो कैसे हो, और उनको अगर सीधे कहा जाता कि आप कहीं से ट्रेनिंग करके आइए तो फिर स्कूल में बच्चों की पढ़ाई बाधित होती। इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों को स्कूल से एक बार बाहर भी नहीं किया जा सकता था, इसलिए बीच का रास्ता निकाला गया कि इनकी ट्रेनिंग सेवा में रहते हुए हो जाए और इनको नौकरी से हाथ नहीं धोना पड़े। NIOS
जो भारत सरकार की ही दूसरी संस्था है, उस संस्था से कहा गया कि एनसीटी से मिलकर आप एक मॉड्यूल बनाइए नया, सेवा में रहते हुए शिक्षकों की ट्रेनिंग कैसे हो पाए। उन्होंने मिलकर एक मॉड्यूल बनाया, उसके अनुसार डीएलएड की ट्रेनिंग उन सभी शिक्षकों को देना तय हुआ और उसके अकॉर्डिंग सामान्य रूप से डीएलएड की ट्रेनिंग होती है 2 वर्षों के लिए। उन 2 वर्षों में लगभग 6 महीना उनका इंटर्नशिप होता है। इंटर्नशिप के दौरान किसी विद्यालय में उनको जाकर पढ़ाना होता है। आम आदमी जो बाहर का भी कोई विद्यार्थी ट्रेनिंग करना चाहे उसके लिए व्यवस्था है कि कोई इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेगा, 2 साल उसकी ट्रेनिंग होगी जिसमें 6 महीना इंटर्नशिप में किसी विद्यालय में जाकर उनको पढ़ाना पड़ेगा। अभी जो बहाल थे लोग टीचर, उनकी ट्रेनिंग के लिए किया गया कि 2 साल नहीं, इनकी ट्रेनिंग के लिए 18 महीना का एक नया मॉड्यूल बनाया गया। उसके पीछे तर्क यह था कि इंटर्नशिप के लिए 6 महीना जो जाते हैं स्कूल में, क्योंकि बाहर के लोग होते हैं और ये लोग तो स्कूल में ऑलरेडी पढ़ा ही रहे हैं, तो इनके इंटर्नशिप के लिए इनको कहीं जाने की ज़रूरत है नहीं, तो 6 महीना की छूट देते हुए 18 महीना का मॉड्यूल बनाकर और उनको ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की गई। NIUS के जिम्मे यह काम सौंपा गया कि आप इसका पाठ्यक्रम बनाइए, आप इनको पढ़ने की भी ड्यूटी में रहते हुए पढ़ने की व्यवस्था कीजिए और 31 मार्च 2019 के पहले एग्जाम लीजिए और इनको सर्टिफिकेट दीजिए। NIUS ने ठीक उसी तरह से किया, 18 महीने के लिए पाठ्यक्रम बना, इन लोगों ने पढ़ाई की, परीक्षा हुई, उसमें से जो पास करने वाले थे लोग पास करें या जो फेल करने वाले हैं अलग का बात है, जो फेल करें तो हट जाएंगे। अब इसमें प्राइवेट टीचर भी है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले या सरकारी स्कूल में। ट्रेनिंग एक बार अगर किसी की हो जाती है, उसकी इच्छा हो कि हम अब इस स्कूल में नौकरी नहीं करेंगे, हम कहीं और स्कूल में करेंगे, तो सर्टिफिकेट उसके हाथ में, कहीं जाकर वह नौकरी पा सकता है। प्राइवेट में जो खास करके होते हैं टीचर, ट्रेनिंग कर ली, उन लोगों के मन में हुआ कि क्यों नहीं, हम तो अब एलिजिबल हैं, क्वालिफिकेशन है और ट्रेनिंग भी है, तो हम सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं। सोच उनकी बिल्कुल दुरुस्त थी। अब उस विज्ञापन निकला अभी कुछ दिन पहले बिहार सरकार में शिक्षकों की बहाली के लिए, इसी बीच NCT भारत सरकार की जो संस्था है उससे एक गाइडलाइन जारी हुआ जिसमें कहा जा रहा है कि जो ट्रेनिंग लोगों ने किया है 18 महीना के लिए, ये 24 महीना के इक्विवेलेंट नहीं है, इसलिए इनको नौकरी वहाँ नहीं दी जाएगी, इनका सर्टिफिकेट उसके लिए मान्य नहीं होगा। अब इसका नतीजा है कि लाखों की संख्या में नौजवान लोग ही उसमें अधिकांशतः हैं, अब उनके अधिकारों से उनको वंचित किया जा रहा है। अब नौजवानों को इस तरह से, एक तरह से कहा जाए उनके साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग उन्होंने ली है और सरकार की संस्था से ट्रेनिंग ली है, और हम क्योंकि मंत्री थे उस समय, इसलिए हमको जानकारी है जो विमर्श हुआ, जिसके उपरांत सारे निर्णय लिए गए कि 18 महीना बिल्कुल वैलिड होगा, इसलिए कि 6 महीना इंटर्नशिप ऑलरेडी उनका है ही, स्कूल में पढ़ा ही रहे। अब आज अगर कोई भी संस्था, चाहे भारत सरकार की हो या राज्य की सरकार की ओर से, कहा जा रहा है कि नहीं, आपको आपकी डिग्री को उसके इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा और बाकी जो अभी वैकेंसीज निकल रही है उसके एलिजिबल आप नहीं हैं, यह सरासर अन्याय है, नौजवानों के खिलाफ अन्याय है। अब इससे सरकार की जो मानसिकता है युवा विरोधी और एक तरह से शिक्षा विरोधी भी, इस बात का परिचय मिलता है। हम खुद भी बात करेंगे भारत सरकार के वर्तमान शिक्षा मंत्री जी से, और साथ ही साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, बिहार के लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ है,
लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ आप नहीं होने दीजिए, क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है, पूर्णतः गलत हो रहा है। इसलिए आप इंटरफेयर कीजिए, आप बात कीजिए भारत सरकार के वर्तमान शिक्षा मंत्री से, या जहां आप आवश्यकता महसूस कीजिए वहां बात कीजिए। मैं खुद भी माननीय शिक्षा मंत्री जी से, भारत सरकार से बात करूंगा, तो मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है कि आप भी बात कीजिए, और यहां का शिक्षा विभाग भी इस तरह की युवा विरोधी, शिक्षा विरोधी घटना को लोग देखते कैसे रहते हैं आँख मूंद करके, बहुत आश्चर्य की बात है। सरकार को यह काम करना चाहिए, तुरंत सरकार की नींद जगनी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए, शिक्षा मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। कोई गलत निर्णय किसी कारण से अगर आ जाता है जो लोगों के हित के खिलाफ है, तो अपना प्रोटेस्ट देना चाहिए। इसमें प्रोटेस्ट की भी बात बहुत नहीं है, इसमें जो हुआ है उसको याद दिलाने की जरूरत है। तो याद दिलाने का काम मैं भी करूंगा, लेकिन अब सत्ता में बिहार में जो लोग बैठे हुए हैं शिक्षा विरोधी, मैंने इसलिए कहा इस रवैया को कि अगर इनके मन में चिंता होती तो आज उपेंद्र कुशवाहा को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात नहीं बोलना पड़ता, और शिक्षक जो आंदोलित हैं, जिनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, उनको इस काम के लिए सड़कों पर नहीं उतरना रहता, नहीं पड़ता, और बच्चों की पढ़ाई नहीं प्रभावित होती। तो इसलिए अविलंब ऐसी चीज़ों पर इनको ध्यान देना चाहिए, ताकि उनके साथ अहित नहीं हो। और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की ओर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं बात भी करूँगा माननीय वर्तमान शिक्षा मंत्री भारत सरकार से, और साथ ही साथ जरूरत पड़ी तो उन शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए सड़क पर भी उतरना पड़ेगा, तो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी उतरेगी। लेकिन ऐसे लाखों नौजवान शिक्षकों के, ऐसे लाखों नौजवान जो शिक्षित नौजवान हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होते हुए हम नहीं देखेंगे। इसको रोकने का हर संभव हम प्रयास करेंगे, उनको न्याय मिलेगा। फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? आई थिंक थोड़ी सी उम्मीद की किरण जगी है, और 100% कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि जब एक मंत्री की बात चलती है, एक सांसद जब ये चीज़ें उठाते हैं, इन मुद्दों को उठाते हैं, तो वो बहुत ऊपर तक जाता है, और इसका जो आगाज होता है वो बहुत अच्छा है, तो अंजाम भी इसका अच्छा होगा। तो आप लोग कूल रहिए और शांत रहिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, 100% अच्छी न्यूज़ निकल के सामने आएगी, और बिहार शिक्षक नियोजन के पहले ये जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।